नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि आप जान ही गए होंगे, आज कैंडल वैक्स रीडिंग भी होगी, आज टैरो रीडिंग भी होगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं स्वागत करती हूँ अपनी रीडिंग में। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम रेडी टू रिसीव योर गाइडेंस। आज की रीडिंग को देखते हैं। रेडी रहिए, माइंड को क्लियर कीजिए, माइंड को बहुत ज़्यादा असमंजस में नहीं, माइंड को बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रखिए। द एम्परर, सेकेंड द वोंड्स, नाइट ऑफ वोंड्स, द हर्मिट की एनर्जी। पहले कार्ड्स लेंगे, उसके बाद कैंडल वैक्स रीडिंग एक होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी। ये जितने भी ऊपर वाले कार्ड्स हैं, नीचे वाले कार्ड्स में मैं देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन भी बताएंगे आपको। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले इस पर्सन की जो एनर्जी है, मुझे लगता है कि ये बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ गया है, जो यहीं रहेगा। सबसे पहले तो एम्परर की एनर्जी में है। दिस पर्सन हैज़ टेकन चार्ज, आइदर मेल और फीमेल। ऐसा लगता है कि दिस पर्सन हैज़ गेंड अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ मेच्योरिटी, लॉट्स ऑफ मेच्योरिटी। इतना ज़्यादा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कि इस पर्सन को लगता है कि इनको लाइफ समझ में आ गई है, इनको आप समझ में आ गए हो। ऐसा लगता है कि इनको ये रिलेशनशिप समझ में आ गया है। ऐसा लगता है कि जैसे इनको अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बिना बोले जैसे ये इंसान समझ सकता है कि आपके मन में क्या है, बिना बोले जैसे कि इंसान जान रहा है कि आप उनसे क्या कहना चाहते हो, आप उनसे क्या बोलना चाहते हो। बिना बोले जैसे ये इंसान आपकी तकलीफ़ को समझ रहा है। लेकिन ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी ने कोई कसम दे रखी है। आज का दिन ऐसा लगता है कि ये पर्सन कल रात से ही सोच रहे हैं आपके पास आए। ये पर्सन कल रात से ही इनका मूड है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे बात करना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपसे बात करना चाह रहे हो, जैसे कि ढूंढ रहे हो। ठीक है, जैसे कि किसी साथी की तलाश हो, जिस घुटन में है अब ये है ना, जैसे बहुत ही कम समय में बिना एक्सपीरियंस के, या जैसे बहुत सारी चीज़ों के बिना ही इन पर बहुत कुछ थोप दिया हो। जैसे इनको वक्त से पहले जिम्मेदारी देके जानबूझ के उस चीज़ में धकेल दिया हो, ताकि ये सोच ना पाए, ताकि ये समझ ना पाए। तो ये चीज़ आपके पर्सन में मैं देख रही हूँ कि इनकी परेशानी मेरे को समझ आ रही है। कि वक्त से पहले अगर किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाए, वक्त से पहले किसी इंसान में बहुत सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। द एम्परर की एनर्जी मुझे समझ आ रही है। यहाँ पे टू
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड दिस लाइफ विद यू, ये पर्सन आपके साथ समय बिताना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है, ये पर्सन काफ़ी 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 आपके ख्यालों में लॉस्ट रहता है। इनको लगता है कि जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे, ठीक है, तब तक कहीं ना कहीं ये पर्सन बार बार आपके पास जाते रहेंगे। बार बार इनको ऐसा लगेगा कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा मिसिंग है, ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो ये आपसे बोलना चाहते हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो ये आपसे कहना तो बहुत दिन पहले से चाहते हैं, पर जैसे जैसे ये पर्सन आपसे बोल ना पा रहा हो, जैसे ये पर्सन अपने आप को रोक रहा हो, क्योंकि आप देख सकते हो वो लोहे के जूते हैं, मतलब जैसे इनके घर पे किसी ने इनको कसम दी हो, जैसे इनको खुद ही किसी ने रोक लिया हो, ठीक है, जैसे इनको खुद ही किसी ने ये बोल दिया हो, जस्ट स्टॉप, डोंट गो टू हर, डोंट गो टू हिम, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ओह माय गुडनेस, लिटरली इस पर्सन ने अपने आप को रोका है, लिटरली उन्होंने अपने आप को मतलब रोका है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोका है आपके पास जाने से, जैसे कि इन पर जानबूझ के बहुत ज़्यादा रोक टोक लगा दी गई हो। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे रोल में है जहाँ उनको अपने घर की मेल की भी जिम्मेदारी निभानी है, फीमेल की भी जिम्मेदारी निभानी है, तो ये बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, और इनको विश्वास करो ऐसा लगता है कि मेरी बारी कब आएगी, इनको ऐसा लगता है कि इनकी बारी कब आएगी, आखिर कब ये पर्सन एक ऐसी मतलब स्टेज पे पहुंचेंगे जहां ये बोल पाएँ कि हाँ सही में, मतलब ये बोल पाएँ कि वो आपके साथ रहने लगे हैं, मतलब बोल पाएँ कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ बिना किसी से डरे। आपके पर्सन का जो मन है ना, वो ऐसा करता है कि अगर इन्होंने आपके बारे में किसी को नहीं बताया ना, इस समय उनका मन करता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, जैसे ये बताएं भी ना, आपको सबके सामने ले आएं और बोल दें कि ये मुझे पसंद है और इससे मेरा ब्याह कराना है, निकाह कराना है, है ना, इनसे मेरे को जोड़ी बनानी है। लेकिन इस समय ये द हर्मिट की एनर्जी में, इस समय आपके पर्सन अकेले में बहुत सोचते हैं अपने बारे में। हाँ, पब्लिकली ये दिखाते हों कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसिप्लिन, टाइम टेबल, रूटीन, सक्सेस, ऐसे, पर अकेले में देखो इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है। अकेले में जहाँ पे ये पर्सन रोकते हैं ना अपने आप को, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ, हो सकता है भाई बहनों की शादी करानी हो सकता है अकेले कमाने वाले हो, लेकिन द हर्मिट की एनर्जी से ये पर्सन पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। एक पार्टनरशिप की तलाश है, एक पार्टनरशिप इनको चाहिए, एक स्टेबल रिश्ता आपके साथ बनाना है, और नहीं बनाने के कारण ही इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहले तो रहा है, लेकिन अब ये सोच रहा है कि अपने पर्सनल लाइफ को ये मतलब उसकी बलि नहीं चढ़ाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कप्स की एनर्जी से ये पता चला है, भले ही एम्परर की एनर्जी में हो, लेकिन इनको बहुत बुरा लगा है कि दूसरे किसी की जिम्मेदारियों की वजह से इन्होंने आपको मना किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको सोचते हैं कि आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, इनफैक्ट ऐसा पार्टनर मिलने से भी नहीं मिलेगा जो अंडरस्टैंडिंग में भी अच्छे हों, आपके बारे में बात सोच रहे हैं ये पर्सन, जो अंडरस्टैंडिंग में भी अच्छे हों, जो कहीं ना कहीं आपको ऊपर से नीचे तक समझे भी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा माने भी, जो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से एक लाइफ में कोई चीज़ गलत करो तो सिखाएं भी, आपको नुकसान होने से बचाएं भी, आपके अंदर वो एक सेल्फिश पना इस पर्सन ने नहीं देखा है, ठीक है,
आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके एक मतलब ही पना, जैसे कि मेरा मेरा अच्छा हो, इसका ना हो, ऐसा नहीं देखा है, तो आपके पर्सन को लगता है ना, इन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को खुद ही सैबोटाज किया है। आज जो इनको तकलीफ हो रही है, ठीक है, आज जो इनको तकलीफ हो रही है वो किसी और की वजह से नहीं, आपकी वजह से ही, ठीक है। आज जो इनको तकलीफ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो। तो इनका एक्शन यही रहने वाला है, अगर आप ध्यान से देखो, ये कुछ टाइम और तक ये मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे, मतलब एक रिग्रेट 10 वाली एनर्जी अक्टूबर तक के लिए आप ये सोच लो, इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत बेचैनी रहने वाली है। इनको ऐसा लगने लगा है, जैसे देखो 8 of cups और यहाँ पे 5 of cups, पहले ये खुद आपसे मुंह मोड़ के गए हैं जब यू आर ऑफरिंग देम सो मच, आपने उनको बहुत कुछ ऑफर किया है, आपने उनको बहुत कुछ बताया है, अपना सारा समय दिया है, हर बार माफ़ किया है। अब इनको लग रहा है कि सारे कप्स पलट चुके हैं, अब आप इनके पास नहीं हो, ये आपसे पीट करके गए थे, अब आप इनके पास नहीं हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग लोनली, वेरी मच लोनली। अब इनको लगता है कि एक रिलेशनशिप में इमोशनल इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, उसके बिना ये पर्सन सिर्फ, अगर कितना भी डिसिप्लिन, इनको कितनी भी सक्सेस मिल जाए, कितना भी ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दे आर मिसिंग दिस हैप्पी रिलेशनशिप। स्ट्रिक्टनेस के खातर ना इन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है, जस्ट दूसरों के सामने एक परफेक्ट रहने के चक्कर में इन्होंने अपनी इनोसेंस खो दिया। आपके पर्सन की एनर्जी को देखते हुए ये सोचेंगे वॉट इज़ देयर एक्शन, आपके पर्सन का एक्शन आपके प्रति, आपके पर्सन का एक्शन आपके प्रति, आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। इतना तो आप मान लो, आप लिख के ले लो, अक्टूबर तक आप इस पर्सन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखोगे, सोचने से बदल कर ये पर्सन एक्शन की ओर आएंगे। ये पर्सन अपने अंदर की जो बहुत ही डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। अभी तक ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आए हैं, लेकिन आपके जाने के बाद ये पर्सन कितने अकेला महसूस कर रहे हैं वो चीज़ दे वॉन्ट टू शेयर एंड एक्सप्रेस। ओह माय गुडनेस, देखो ज़रा क्या हो रहा है, देखो ज़रा। ऐसा लगता है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बाहर करेंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे आपके सामने कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो। हो सकता है इन्होंने आपसे बोला हो कि कंट्रोल योर इमोशंस, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इनके सामने खुद को एक्सप्रेस कर चुके हो, तो ये पर्सन हो सकता है बोल चुके हैं आपको कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको भी ऐसा लगता था कि शायद आप ही इस पर्सन को इतना ज़्यादा मिस करते हो, शायद ये पर्सन आपको कभी इतना ज़्यादा मिस नहीं करते, शायद ये पर्सन कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते, पर आपको उनकी कुछ ज़्यादा ही याद आती है। आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब ये पर्सन आपके साथ नहीं होते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है जब ये पर्सन आपसे कहीं दूर चले जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि आग दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। दोनों तरफ ही ऐसा लग रहा है
दोनों तरफ ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यूं फील होता है कि आप उनकी लाइफ में खुशियां लेके आते हो, आपकी वजह से ये लाइफ जो है इस पर्सन को मीनिंगफुल लगती है, ठीक है, आपकी वजह से आपके पर्सन को ये लाइफ ऐसे लगती है कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक और चीज़ ही सामने आ रही है, आपके पर्सन को अब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस होती है। अब आपको ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक दोबारा से वो मतलब रोबोट वाली एनर्जी को छोड़कर ये दोबारा से एक प्यार वाली एनर्जी में आ जाए। एक सॉफ्ट हार्टेड जो पर्सन होता है ना, वो ऐसा पर्सन होता है जो एक कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन धीरे 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 करीब आओगे। अक्टूबर का महीना मैंने आपको बता दिया, धीरे धीरे एक ऐसा लगेगा कि एक फ्रेंडशिप हो रही है, एक अलग सी फ्रेंडशिप, जहां आप भी इनकी इनसिक्योरिटी जानते हो, आपकी बात भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कमाल की चीज़ हो रही है कि आप एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हो। इस तरफ से भी एफर्ट्स आपकी तरफ से कम लग रहे हैं अभी, क्योंकि आपने सोच लिया है जो भगवान देगा आप उसको कबूल लोगे। और दूसरी तरफ आपके पर्सन को लगता है कि उनको आपसे खुलने की ज़रूरत है, आपके आपको अपना परफेक्ट रूप नहीं दिखाना है, जबकि आपको अपना रियल रूप दिखाना है। वो अपने रियल फीलिंग्स को आपको बताएंगे, अपनी रियल कि वो आपको खोने से कितना डरते हैं, बस ऊपर ऊपर से ऐसे जताते हैं। पता है क्या, इस पर्सन की एनर्जी देख के लग रहा है कि इनको बहुत अच्छा लगता रहा है जब तक आप इनको चेज करते रहे हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता रहा है कि दे आर पावरफुल, ठीक है, वो पावरफुल हो गए हैं जब तक आप उनको चेज कर रहे हो, वो पावरफुल हो गए हैं, आप कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ोगे। लेकिन बात तो ये है कि एक्चुअल में ये आपके पर्सन की सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है, उस सीक्रेट को जब तक ये जब दबाते रहें, मतलब ऐसा लग रहा है कि जब तक आपसे बहुत बार कॉल आ जाए, ये बहुत ऐसे नहीं हुआ कि एक बार में कभी उठाते हैं, जब तक आपसे बहुत बार कॉल ना आ जाए तो आपके पर्सन को लगता है कि अरे यार शायद शी इज़ बिज़ी, ही इज़ बिज़ी, ऐसा लगता है। पर अब जब वो सब नहीं हो रहा है, आपके पर्सन को अब डर लगने लगा है। आपके पर्सन को ये लगा था कि ये सेपरेशन टेम्प्रेरी होगा, लेकिन इसे परमानेंट, क्योंकि आप तो सीरियसली इन्वेस्टेड थे, अब इनकी साइलेंस को क्या समझोगे। अब ऐसा लगता है आपके जो पर्सन हैं इनकी अकल ठिकाने आ गई है, मतलब आपसे दूर रहकर, आपके प्यार से वंचित रह के जो अकेलापन है ना, अकेलेपन ने इनको मैसेज दे दिया है, अकेलेपन ने इनको समझा दिया है कि मे बी ये कोई तरीका नहीं होता सामने वाले को कंट्रोल करके, उसको दुख पहुंचा के, या बहुत बुरी तरीके से किसी इंसान को सफ़र करवा के ही अच्छा लगेगा। नो, ऐसा नहीं होता। ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन, हाफ आप इनको जानते हो, हाफ आप इनको अक्टूबर के मंथ में जानोगे। जैसे कोई पर्दा उठ रहा हो, जैसे कोई नकाब उठ रहा हो, जैसे कि आपको लगेगा अरे क्या ये सेम पर्सन है जिनके साथ मैं थी या था। इरीज लियो पाइसिस, ओ माय गुडनेस, बहुत थिन लाइन से आप जुड़े हुए हो अभी भी, बहुत मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जैसे कि आपको लगेगा कि इट्स अ न्यू बर्थ, जैसे कि आप इनके साथ न्यू शुरुआत कर रहे हो। अगर आप मना भी करोगे तो भी ये पर्सन आपको वो वाला साइड दिखाएंगे जो आप हमेशा से देखना चाहते थे। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी विश ग्रांट हो रही है, आपकी विश ग्रांट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि रियल चेहरे सामने आ रहे हैं, जो चीज़ आप उनको तब बोला करते थे, जिसको ये तब नहीं मानते थे, अब मान रहे हैं। जैसे कि आपका वैलिडेशन सीख करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद ही आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ यार जो तुमने तब बोला था सही था, मेरे साथ सच में ऐसा ऐसा हो रहा है। ओ माई गुडनेस, एडमिट कर रहे हैं, कन्फेशन इज़ कमिंग, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, हरे कृष्णा।